नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्र कुमार और आप देख रहे हैं राइट ब्रदर। जैसा कि आपने कल की वीडियो में देख लिया कि जो पाउच एंड बोतल फिलिंग की हमारे पास में अलग अलग करीबन 7-8 प्रकार की मशीनें हैं, आप अपने वैल्यू, अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें से कोई सी भी मशीन चूज कर सकते हो, जिसके अंदर 9,500 रुपये से लेकर 30,000 तक का कंप्लीट कॉम्बो किट आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। अब आज का दूसरा टॉपिक रहने वाला है कि इसके अलावा हमारे पास में जो ऐसा कि मैंने कल आपको बताया था कि जेली पेप्सी एंड पेप्सी का कॉम्बो किट भी हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करवाएगी। उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, कितने में वो किट मिलेगा, उसकी क्या रेट रहेगी और उसको बनाने की टेक्निक क्या है, सामान के अंदर आपको क्या क्या सामान मिलेगा। तो नेक्स्ट लेवल पे देखते हैं कि जेली पेप्सी एंड पेप्सी कॉम्बो किट का बिजनेस किन के लिए सुटेबल है, ये स्टार्ट कब होगा, एंड कब होगा और इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है। जैसा कि आप लोगों को नॉर्मली पता होगा कि अपने ऑल ओवर इंडिया के अंदर पानी वाली पेप्सी जो 1 रुपये में कुछ इस तरीके से आती है, पानी वाली पेप्सी जैसे साइड में आप देख सकते हो, 1 रुपये वाली पानी वाली पेप्सी, 2 रुपये वाली पानी पेप्सी, इसके अंदर खूब सारे अलग अलग फ्लेवर आते हैं, कोई मैंगो, ऑरेंज, लीची, पाइनएपल, कोला, जीरा, काला खट्टा, अलग अलग फ्लेवर में आते हैं। लेकिन ऑल ओवर इंडिया के अंदर जेली वाली पेप्सी कोई नहीं बनाता है। इसका जो सीक्रेट फॉर्मूला है ना, वो ओनली फॉर हमारे राइट ह्यूमन कंपनी के पास में, इसका फॉर्मूला और किसी के पास में नहीं है। और जो मल्टीनेशनल कंपनी है वही जेली पेप्सी या जेली जो कप के अंदर जेली आती है वो काम करती है, लेकिन मार्केट में बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है जेली पेप्सी का कॉन्सेप्ट। इसके अंदर एक पाउडर आता है, ये जो पाउडर रहता है जेली पेप्सी का पाउडर, जिसे हम लुमेर बोलते हैं आमतौर पर, ये हमारे द्वारा ही बनाया गया पाउडर है। इसके अंदर टोटल 22 प्रकार के अलग अलग आइटम मिक्स किए हुए हैं, जिससे आपको ठंडे पानी के अंदर वो पाउडर डालना है और उसको गर्म करना है। जैसे ही गर्म करोगे वो ऑटोमेटिकली पाउडर उसके अंदर घुल जाएगा, उसके बाद में आप उसे रोल की सहायता से भर के आपने कटिंग करके अपनी साइज के अनुसार कटिंग करके उसको मार्केट में बेचना है। आपको कुछ भी अलग से इंटीग्रेट्स या नहीं मिलाना है। ये जो ज्वाली का जो पाउडर है जिसे हम लुमेर बोलते हैं, ये टोटली 22 प्रकार के अलग अलग सामान मिला के बनाया गया है, यानी कि 22 अलग अलग प्रकार का सामान इसके अंदर मिला हुआ है। यह सामान हम ऑलरेडी खुद मिलाते हैं और आपको इसे बेचते हैं। जेली पेप्सी किट या पेप्सी किट या जेली किट हमारे द्वारा नॉर्मली 2 तरीके से बेचे जाते हैं, जिसमें हमने एक बनाया है जेली किट और दूसरा बनाया है जेली पेप्सी किट। अब बात करके इनकी रेट के बारे में, तो ये आपका रहेगा 8,000 रुपये का और ये रहेगा 8,500 का। अब आप लोग बोलोगे इस दोनों में डिफरेंट क्या है, तो इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं जेली किट के बारे में। जो अपना जेली किट है मार्केट में, हम कंप्लीट किट 8,000 रुपये में बेचते हैं, जिसके अंदर आपका 1,000 रुपये एडवांस है और बाकी का 7,000 रुपये कैश ऑन डिलीवरी है, जिसके अंदर आपको 2 kg लुमेर मिलेगा। ये पाउडर आता है जेली को बनाने के काम आता है, जेली बनाने के काम आएगा लुमेर ग्रेड ए, ये आपको टोटली मिलेगा। 2 kg पाउडर मिलेगा, एक आपको राइट ह्यूमन की कंपनी की सीलिंग प्लस कटिंग मशीन मिलेगी। ये मशीन आपके काम आएगी, सीलिंग करने भी काम आएगी और कटिंग करने के भी काम आएगी, दोनों काम एक साथ में भी करेगी, दोनों काम अलग अलग भी करेगी। 100% कॉपर से बनी हुई मशीन है और इस मशीन के ऊपर कंपनी आपको फिक्स 6 महीने की गारंटी वारंटी देती है। और जहां तक मेरे नॉलेज में है, ये मशीन आपकी जिंदगी भर खराब नहीं होगी अगर इसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन लिखे हो उसके हिसाब से काम करते हो, क्योंकि इसके अंदर जो ट्रांसमीटर लगा हुआ है वो 100% कॉपर वायर से बना हुआ है, जलने फूकने टूटने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा जो रहेगा, इसके अंदर टोटली 4 रोल रहेंगे, 4 रोल इसके साथ में आएंगे, 2 रोल आएंगे 1 इंच के, यानी कि जो आपके 4 रोल इसके साथ में रहेंगे 2 रोल आएंगे 1 इंच के, 1 रोल आएगा आपका 2 इंच में मैंगो में और आपका 1 रोल आएगा 2 इंच में व्हाइट में। कंप्लीटली 4 रोल रहेंगे, 2 रोल आएंगे 1 इंच में, 1 रोल आएगा 2 इंच में और 1 रोल आएगा 2 इंच में, एक मैंगो में एक व्हाइट में। इससे 1 रोल से आपके
एक रोल से कम 1800 से 2000 पेप्सी आराम से आपकी बन जाएगी, यानी कि रोल से 8000 से 10000 आराम से आपकी पेप्सी बन जाएगी। तीसरा जो रहेगा, इसके साथ में आपको 4 फ्लेवर मिलेंगे। इसके अंदर आपको 500 ml आधा आधा लीटर के टोटली 4 फ्लेवर मिलेंगे, जिसमें आपका मैंगो, ऑरेंज, लीची और पाइनएप्पल, ये अलग अलग 4 फ्लेवर मिलेंगे। एक आपको मिलेगा कंप्लीटली फूड प्रिजर्वेटिव, जो आपके काम करेगा, जो आपने लिक्विड बनाया है जेली पेप्सी के लिए, उसको 3 महीने के लिए सेफ रखने के काम आएगा। इसके साथ में आपको एक सीक्रेट फॉर्मूला बुक मिलेगा कि आपको कितना पानी लेना है, कितना लूमेर डालना है, कितना आपको अपना फ्लेवर डालना है, कितना फूड प्रिजर्वेटिव डालना है, कितने टाइम तक उसको गर्म करना है या ठंडा रखना है, कितने टाइम बाद में उसको भरना है। इसके अलावा आपका जो रोल है, इसे कितने इंच तक बनना है, बनाना है 1 इंच बनाना है, 2 इंच बनाना है, ये सारा जो कंप्लीट गाइड बुक रहेगा वो इस बुक के अंदर रहेगा। और इसी के साथ में इस बुक में चाहे आप पेप्सी बनाओ उसके फॉर्मूला है, पाउच बनाओ उसका फॉर्मूला है, जेली बनाओ उसका फॉर्मूला है, मसाला के लिए फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले इसी एक ही बुक में आपको मिलेगा। कंप्लीटली किट कितने का रहेगा? मात्र 8000 रुपये का, 1000 उसमें आपका एडवांस रहेगा और 7000 रुपये कैश ऑन डिलीवरी रहेगा। ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसकी डिलीवरी बिल्कुल फ्री की जाएगी। इसमें आपको कोरियर चार्ज, GST, पैकिंग कुछ भी अलग से नहीं देना है। अब बात करते हैं कि हमारा जो दूसरा सबसे पॉपुलर किट है उसके बारे में। जो हमारा दूसरा पॉपुलर किट है उसे बोला जाता है जेली पेप्सी किट, जो मार्केट में आपको ये हमारे द्वारा मिल जाएगा मात्र 8500 रुपये में। 1000 रुपये इसमें भी आपका एडवांस है और बाकी का 7500 रुपये कैश ऑन डिलीवरी है। इसके अंदर वही सेम चीज मिलेगी आपको, 2 किलो लुमेर मिलेगा, वही अपनी राइट ह्यूमन कंपनी की 100% कॉपर वाली मशीन मिल जाएगी, जो किट में मिल रही है वही मशीन इसमें भी मिल जाएगी। 4 रोल इसमें भी मिल जाएंगे आपको, उतने के उतने वजन के, और सेम वही 4 रोल मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको 4 फ्लेवर मिल जाएंगे, अलग अलग प्रकार के मैंगो, ऑरेंज, लीची, लेमन, पाइनएप्पल, कोला, जीरा, काला गट्टा, ग्रीन मैंगो, उसमें से आपको टोटली 4 फ्लेवर मिल जाएंगे आधे आधे लीटर के। एक आपको फूड प्रिजर्वेटिव मिल जाएगा, सिरका जिसे बोला जाता है, LP जिसे बोला जाता है। इसी के साथ में आपको एक कंप्लीट गाइड बुक मिल जाएगी। अब बात करते हैं, इसके अंदर 2 चीज आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, क्योंकि आपने 500 रुपया में एक्स्ट्रा दिए हैं, तो उसके लिए आपको 1 किलो साइट्रिक एसिड काम आएगा। 1 किलो इस किट के साथ में आपको साइट्रिक एसिड मिलेगा, जिसे नींबू सद भी बोला जाता है, और 1 किलो आपको स्वीटनर मिलेगा, क्योंकि उस किट में आपको ओनली फॉर जेली पेप्सी ही बना सकते हो। इसके अलावा उस किट में दूसरा सामान नहीं मिलेगा, ओनली फॉर जेली पेप्सी बनाने का सामान मिलेगा। लेकिन इस किट से 8500 वाले किट से आप जेली पेप्सी और पानी वाली पेप्सी, वाटर वाली पेप्सी दोनों सामान मिल जाएगा, क्योंकि आपको पानी वाली पेप्सी के लिए मशीन चाहिए, फ्लेवर चाहिए, रोल चाहिए और फूल प्रोजेक्टरी चाहिए और बुक चाहिए, ये तो सारा सामान मिल रहा है उसके अंदर भी इसके अंदर भी। लेकिन अगर नींबू सत और स्वीटनर नहीं है तो आप पानी वाली पेप्सी नहीं बना सकते हो, यानी कि अब आपको पानी वाली पेप्सी भी बनाना है और जाली वाली पेप्सी भी बनाना है, तब आपके लिए बेस्ट रहेगा 8500 वाला किट। और आपको लगता है कि नहीं, मुझे ओनली फॉर जाली वाली पेप्सी बनाना है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा 8000 वाला किट। पूरा क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कि इस सामान को मुझे मंगवाना कैसा है, क्योंकि बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है, कहीं पर भी इसका हमारे अलावा सामान नहीं मिलेगा, कोई इसको बताने वाला नहीं है कि जेली का फॉर्मूला क्या है या जो लुमेर ग्रेड है, ये हमारे अलावा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर आपको जेली पेप्सी का काम करना है तो हमसे सामान हमारे यहाँ पर रीजनेबल रेट में आपको मिल जाएगा, और भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, चाहे जेली बनाने में, जेली पेप्सी बनाने में, उसका फॉर्मूला अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई काम काज हो रहा है, तो आप हमें डायरेक्ट बेझिझक कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जा रहा लिखा हुआ है और वीडियो के नीचे भी लिखा हुआ आपको प्रॉपर दिख रहा है। और इसके अलावा अगर आप हमसे सामान खरीदना चाहते हैं तो डायरेक्ट हमारा जो नंबर है उस नंबर पे कॉल करो, मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, वहां से आपको पूरा बायोडाटा, पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा आप इस पूरे सामान को हमारी जो एप्लीकेशन है,
आप हमारे जो एप्लीकेशन है राइट ह्यूमन के नाम से एप्लीकेशन है, अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर खोला, प्ले स्टोर में लिखा राइट ह्यूमन RIGST HUMAN, जैसे ही आपने प्ले स्टोर पे राइट ह्यूमन लिखा वहां पर आपको कुछ इस तरीके से लोगो दिख जाएगा, उसे आप मोबाइल में इंस्टॉल करना है, उसके बाद में डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, उसके बाद में आपको जो भी सामान पसंद आता है, चाहे जैसे कि आपको जेली पेप्सी किट 8500 वाला जेली किट है 8000 वाला, इसके अलावा सिंगल नोजल, डबल नोजल, फोर नोजल है, पेप्सी किट है, पल्पी पेप्सी किट है, या रेन कार्ड है, कुछ भी आइटम आपको उसमें से पसंद आती है, आपने उसे बाय कर लिया, अपना नाम पता एड्रेस डाल दिया, आपको जितना एडवांस वो मांग रहा है उतना एडवांस कर दिया, विद इन 7 दिन के अंदर आप किसी भी टाइम ऑर्डर करो, विद इन 7 दिन के अंदर आपको ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये सामान डिलीवर हो जाएगा। अब बात कर देगा जो जेली वाला पेप्सी किट है, इसका सामान मैंने मंगवा लिया, इसको बनाना कैसे, तो उसके साथ में एक फॉर्मूला बुक इसके साथ में ही है, और दूसरा कि नहीं मुझे वीडियो के सहायता से समझना है, देखना है कि कैसे बनाना है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि इसके अंदर जेली पेप्सी किट आपको कैसे बनाना है, तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर। जैसा कि आपने देख लिया कि हमने पूरा किट का ओपन कर दिया है, अब हम इस किट के अंदर जो मसाला जेली पाउडर वगैरह मिला है फ्लेवर, उससे हम पेप्सी जेली पेप्सी बनाते हैं। सबसे पहले हमने इस फॉर्मूला बुक के हिसाब से इस भगोले के अंदर पानी ले लिया और इसको गैस के ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया है, उसके बाद में हमने ये कर दिया, हमने गैस को स्टार्ट, उसके बाद में हम इस फॉर्मूले बुक के हिसाब से इसके अंदर जो लुमेर पाउडर है वो डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। ये हमने इसके अंदर लुमेर पाउडर डाल लिया, लुमेर जो कि जेली बनाने में मदद करेगा। इसको पाउडर डालने के बाद में इसको जब तक ये पूरा घुल नहीं जाए तब तक इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है, फिर उसके अंदर मीठा करने के लिए इसके अंदर हम शक्कर डाल देते हैं, जैसा कि इस फॉर्मूले बुक के अंदर लिखा हुआ है, उसी के अनुसार इसके अंदर शक्कर भी डालना है, न कम न ज़्यादा। अगर आप इसके अंदर कॉस्टिंग और कम करना चाहो तो एक स्वीटनर नाम से लिक्विड मिलता है, गोल मिलता है, वो भी इसके अंदर डाल सकते हो, जिसकी रेट, अगर आप इसके अंदर स्वीटनर भी अलग अलग रेट में मिलता है, मात्र 240 रुपये किलो भी मिलता है, 1600 रुपये किलो भी मिलता है, 5000 किलो भी मिलता है, सब वेराइटी में हमारे पास मिल जाएगा। लेकिन मेरा सुझाव यही है कि अगर आपको मार्केट के अंदर लॉन्ग टाइम तक रुके हुए रहना है, लॉन्ग टाइम तक अपनी मार्केट में पेट बनानी है, नॉर्मल भाषा में बोलता हूँ, तो आपको प्योर शक्कर का ही यूज़ करना है। इसको तब तक गर्म करना है जब तक इसके 2 उबाल नहीं आ जाते, जैसे चाय के 2 उबाल आते हैं उसी तरह इसको गर्म करना है। जितना ये ज़्यादा गर्म होगा उतनी आपकी जेली बढ़िया बनेगी, उतनी टेस्टी बनेगी और उतनी ही कड़क बनेगी। सबसे बड़ी चीज़ मुझे जेली वाली पेप्सी में ये लगी कि इसको आपको फ्रीज़र के अंदर रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर, गर्मियों के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री या 35 डिग्री 40 डिग्री पे ये जमी हुई कड़क ही रहेगी, ये बिल्कुल भी पानी जैसी नहीं रहेगी, और इसका लास्ट में आप देखोगे कितनी कड़क होती है इससे पेप्सी बगैर फ्रीज़र में रखे। इसको टाइम टाइम पे समय समय पे हिलाते भी रहना है, क्योंकि नीचे चक्कर भी डाली हुई है और उसके साथ में आपने ब्लूमेर पाउडर भी डाला हुआ है, इसको पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसको आराम से हिलाते भी रहना है। हेलो हेलो, जैसा कि आपने देख लिया कि इसके पूरे 2 उबाल आ गए हैं, अब इसके अंदर हम डालते हैं फ्लेवर, हम इसके अंदर डालते हैं मैंगो फ्लेवर, क्योंकि मैंगो सब छोटे बच्चों में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। ये ऑरेंज का फ्लेवर है, ऑरेंज चाहिए नहीं अपने को चाहिए मैंगो का फ्लेवर। ये रहा अपना मैंगो फ्लेवर, इस फॉर्मूला बुक के हिसाब से देख ले तो इसके अंदर मुझे कितना मैंगो फ्लेवर डालना है, 5 लीटर घोल के अंदर, ठीक है मैं अब इसके अंदर आ डाल देता हूँ मैंगो फ्लेवर। ये मैंने डाल दिया इसके अंदर मैंगो फ्लेवर, अब इसके अंदर मैं इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए इसके अंदर डाल देता हूँ फूड प्रिजर्वेटिव।
फूड प्रोसेसर डालने के बाद में इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। सुगंध आ रही है, बहुत ही शानदार वाली, बनी नहीं है उससे पहले, ऐसा लग रहा है कि मैं इसे पूरा ही पी जाऊँ। बहुत ही रियल में बहुत ही शानदार वाली सुगंध आ रही है, मज़ा ही आ गया। अब इसे 2 मिनट के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देता हूँ, लेकिन ये ध्यान रखना इस बुक के अंदर स्पेशल लिखा हुआ है कि ये जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे जेली आपकी बननी जमनी स्टार्ट हो जाएगी। इसे मात्र 2 मिनट के लिए ही ठंडा होने के लिए छोड़ना है ताकि अपने हाथ नहीं जले उतना ही। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, अब ये अपने 2 मिनट भी हो गए। अब मैं इसे लेता हूँ भरने के लिए टंकी के अंदर, जिससे मैं रोल को आराम से भर सकूँ। ये आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हो, ये जेली लगभग बननी स्टार्ट हो गई। नीचे आप देख सकते हो, आपको शायद दिख रहा होगा, आपको शायद दिख रहा होगा इसके अंदर ये जेली बनना स्टार्ट हो गया। ये देखो नीचे, यानी सबसे नीचे था, ये ठंडा हो रहा है तो ये जेली बनना स्टार्ट हो गया है। मैं इसे वापस मिक्स कर देता हूँ और ये और ज़्यादा हो रहा है, यानी ये जल्दी जल्दी जेली बनना स्टार्ट हो रहा है। अब मैं कर देता हूँ इसे टंकी के अंदर डाइवर्ट। अब मैं इसे डाल देता हूँ नल वाली टंकी के अंदर, जहाँ पे रोल लगेगा आराम से। इधर रोल लग जाएगा और पानी यहाँ से निकलेगा तो रोल के अंदर जूस या जो जेली का पानी है वो आराम से निकलता रहेगा। अपने को कीमा वगैरह की जरूरत नहीं रहेगी, बाकी दूसरों में कीमे की जरूरत रहती है लेकिन इसमें कीमे की जरूरत नहीं रहेगी। ये मैंने घोल को डाल दिया इसके अंदर। रियल में सुगंध आ रही है, बहुत ही बढ़िया। और आप इस स्टोव के नीचे देख सकते हो कि जेली लगभग नीचे बननी स्टार्ट हो गई। आप आराम से देख सकते हो ये जो जमा हुआ ये पदार्थ, ये जेली ही है। ये जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ये जेली बननी स्टार्ट हो जाएगी। अब लेते हैं उधर साइड में और इससे पेप्सी बनाना स्टार्ट करते हैं।